अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ का थर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोगों को टारगेट ये रखना चाहिए कि RHS में जो फंक्शन है वो किस टर्म में है, sec थीटा और cosec थीटा में, और LHS में जो फंक्शन है वो किस में, tan थीटा और cot थीटा में। तो अगर हमको sec और cosec में लाना है तो फंक्शन को अगर हम LHS वाले को साइन और कॉस में अगर चेंज कर दें तो फिर साइन और कॉस को बाद में हम लोग sec और cosec में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग LHS में चलेंगे। LHS जो है हमारा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस जहाँ जहाँ फार्मूला है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। टेन थीटा क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। फिर कॉट थीटा का क्या फार्मूला होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम लोग पहले समझ गए कि कॉस और साइन में चेंज करना है, तो इसलिए हम लोग ये फार्मूला दोनों यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना हम लोग को है, तो इधर वाला पार्ट्स को साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहने देते हैं हम लोग, और नीचे एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है इसको ये रहने दो, फिर ऊपर में क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग फिर ये नीचे वाले को और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर वाला दोनों वही रहता है, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये वाला टर्म सेम रहेगा हमारा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और सबसे नीचे वाला टर्म फिर ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो, तो अब हम लोग इसको कर देते हैं, ये क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस क्या हो गया साइन थीटा। देखो अब इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इससे एक माइनस अगर बाहर निकाल दें तो फिर हमारा ऐसा ही बन जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ में आया कुछ। ये यहाँ से माइनस ले आए तो ये इसलिए बीच में अब माइनस हो गया। अब ये दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसको और नीचे वाले को देखो तो साइन थीटा बचेगा,
तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा, आ रहा समझ में? और ये नीचे वाला टर्म और ये नीचे वाले टर्म को देखो क्या कॉमन हो रहा है, तो कॉस बच जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये कॉस ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, समझ में? अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो अगर हम उस आइडेंटिटी को लगा लें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है? और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब थीटा कॉस थीटा और बी स्क्वायर मतलब, और ये नीचे हमारा हो गया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है? तो ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है? तो अगर हम इसको और थोड़ा सा देखें सिंपलीफाई करने के बाद, ऊपर का पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, और ये साइन थीटा बटे इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, तो इसको दोनों से डिवाइड कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ से भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों तो वन हो जाएंगे ये, और वो वन बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और वन बटे कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो हमको क्या लाना था, यही लाना था ना हम लोग, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू आर एच एस, समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस है, सिंप्लीफिकेशंस है, और ये दो चार फॉर्मूले हम लोग को याद रखना है, ठीक है? तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले मैथ्स के वीडियो से आपको हेल्प मिल सके काफ़ी।